दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च हो चुका है और इसकी असल कीमत भी सबके सामने आ गई है। इससे पहले सभी इसकी अंदाजन कीमत बता रहे थे कि ये 3500 रुपये में सभी यूज़रों को दिया जाएगा, लेकिन अभी अभी कल इसके अंदर एक नया अपडेट आया है जिसमें सभी यूज़रों को बता दिया गया है कि दिवाली की 4 नवम्बर को जियो फोन नेक्स्ट सभी को मिल जाएगा और इसकी कीमत 1999 रुपये बताई गई है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि जियो फोन नेक्स्ट अब 1999 रुपये में आपको पूरी टोटल अमाउंट में मिलेगा क्या। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आपको सिर्फ 1999 रुपये में नहीं मिलने वाला। ये 1999 रुपये वो अमाउंट है जो आप देकर किसी दुकानदार से जियो फोन नेक्स्ट को ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको इसकी EMI में किस्तें चुकानी होगी। अब ये किस्तें कितनी होंगी, इसका अंदाज़ यानी कि इसकी टोटल कीमत कितनी है, तो टोटल कीमत अगर आप बिना EMI के इसे ख़रीदेंगे 2000 के अलावा, तो यहाँ पर साफ साफ इसके रेट लिखे जा सके हैं 6499 रुपये का ये अपफ्रंट यानी कि विदाउट EMI के आपको पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बढ़िया बात इसके अंदर ये गई है कि इसे EMI के साथ लॉन्च किया गया है। जी हाँ, जितने भी गांव के गरीब लोग हैं या जो भी पूरी पेमेंट करके जियो फोन नेक्स्ट को नहीं खरीद सकते, उनके लिए यहाँ पर सहूलियत दी गई है। यहाँ पर 4 प्लान यानी कि EMI प्लान आप इन्हें कह सकते हैं, उसके साथ जियो फोन नेक्स्ट को लॉन्च किया गया है। मैं आपको मेन प्लान के बारे में बताऊंगा। प्लान तो 4 हैं, लेकिन सबसे बढ़िया प्लान और सबसे अच्छा जो नॉर्मली 99% लोग यूज़ करेंगे वो ये वाला है, लार्ज प्लान। इससे पहले ऑलवेज प्लान भी है, XL प्लान भी है, डबल XL प्लान भी है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होने वाला प्लान यही है। मैं इसके बारे में ही आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसमें 450 रुपये वाली यानी कि 24 मंथ की EMI बताई गई है। साथ ही साथ इसमें 18 मंथ की 500 रुपये पर मंथ वाली भी EMI बनाई गई है, जिसमें 1.5 GB रोज़ सभी यूज़रों को अनलिमिटेड कॉल के साथ मिलेगा। तो और अगर आपको लगता है कि आपके लिए 1.5 GB कम है, तो आप यहाँ पर 2 GB रोज़ वाले प्लान पर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि इन EMI प्लान के साथ आपके रिचार्ज की अमाउंट भी जुड़ती है। जी हाँ, अगर आपको मैं नॉर्मली बताऊँ तो इसमें लगभग 4800 रुपये सिर्फ आपके रिचार्ज पर हो जाते हैं। जैसे आप 450 रुपये वाली 24 मंथ की EMI बांधेंगे, जिसमें 450 रुपये आपको मंथली पे करना है, तो आपकी कीमत लगभग 12000 रुपये जाके पहुंचेगी। और आप अपने इसमें 200 रुपये वाला रिचार्ज घटाएंगे तो आपकी लगभग 8000 रुपये की कीमत आ जाएगी। और इसी तरीके से आप 500 रुपये आने वाला 18 मंथ का प्लान EMI चूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपकी लगभग 7500 रुपये की टोटल अमाउंट पड़ेगी, जिसमें रिचार्ज इंक्लूड नहीं है। रिचार्ज वगैरह तो मैंने आपको बताया कि लगभग 12000 या 13000 रुपये के समथिंग जाके बैठेगा। इसी तरीके से अगर आप 2 GB रोज़ पसंद करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी और साथ ही साथ आपका डेटा भी बढ़ जाएगा। इसके बाद डबल XL प्लान भी है, जिसमें 2.5 GB रोज़ भी यूज़रों को दिया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर यूज़ इसी 1.5 GB वाले प्लान के साथ यूज़ किया जाता है। तो ये प्लान सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ होने वाला है। अगर आप EMI पर जियो फ़ोन लेना चाहते हैं तो इसी प्लान के साथ जाइएगा, ये सजेस्टेड प्लान है और ये सबसे अच्छा प्लान आपको पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जैसे ही इसकी अनबॉक्सिंग या इसकी जियो फोन नेक्स्ट से रिलेटेड अन्य कोई अपडेट आता है, इसी चैनल पर आपको मिलेगा। जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा के रखिए, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपको डायरेक्ट पहुंच जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना।